और हम जा रहे हैं आज डिपो राशन लेने, बाकी सामान अभी यहाँ पे लोग ले रहे हैं। यो एक गाड़ी पैक हो गई है, हमारे गांव जा रही है, सबकी राशन अब इसमें जाएगी। और यहाँ पे राजा का महल दिख रहा होगा पीछे, शायद हमारे गांव के लोग दूध में गड़बड़ कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा हो गया टाइम। और हम जा रहे हैं आज डिपो राशन लेने, और हम होंगे, मेरे साथ पीछे प्रीति भी आ रही है, पिताजी हैं और एक भैया है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। और साथ में ही कल रात की बारिश हुई है, नीचे दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा गीला है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। अभी वहाँ पे आए हैं थोड़े थोड़े बादल, इधर भी थोड़े थोड़े बादल। और इसमें है मैंने डाले हुए बाकी सामान या कट्टे जिसमें हम राशन लेके आएंगे, इसमें अंदर को। तो जो डिपो होता है वहाँ पर थोड़े सस्ते दामों पर राशन मिलती है, इसीलिए महीने में या एक बार या दो महीने में एक बार राशन आ जाती है। जैसे हमारा डिपो है वहाँ, उसके अंडर काफ़ी सारे गांव आते हैं, तो बारी बारी से गांव की बारी आती है। आज हमारे गांव की बारी है और फिर हम जा रहे हैं, अब हम चलते हैं इधर। अरे यहाँ खिली है, अच्छी खासी धूप आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे धूप सेकने का मज़ा है। जैसे कल रात की बारिश आई है तो यहाँ देखो टायर भी पूरे दिख रहे हैं, किस तरह से छपे हुए हैं, जो जो गाड़ियाँ यहाँ से चली गई होगी। तो अभी हम लोग पहुंच भी गए हैं अपने डिपो, यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। ये प्रीति चली आ गई, नमस्ते भैया, प्रीति देगी हमारे कार्ड भी आज। और जितने भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ये सारे हमारे गांव के ये, और धूप सेकने बैठे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो इस तरह से हम पहुँच गए, ये हमारा डिपो, यहाँ पे मिल रहा है राशन, दालें, चीनी और तेल, चावल, आटा, सब कुछ मिलता है इधर। ये राशन आई है और ये मशीन है जिसके ऊपर तोलते हैं। तो अभी हम आए हैं बाहर, नीचे दिख रहा है एक गांव, यहाँ पे हमारा स्कूल था, ये आगे जो दिख रहा है ये हमारा स्कूल था, यहाँ तक आते थे हम स्कूल। तो यहाँ पे दिख रहे हैं रोड के साथ ऊपर को ये सारे सेब के पेड़ है, और इसमें भी चूना लगाया है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि चूना क्यों लगाते हैं या पेड़ में पेंट क्यों करते हैं, ये तने को बचाने के लिए और जड़ों को बचाने के लिए, तो पेड़ में इस तरह से चूना लगाया जाता है। और अभी हमारा नंबर तो आने से रहा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आए हैं गाँव से, तो टाइम तो लगता है उसमें, क्योंकि अब इसमें जो वेरिफिकेशन होती है वो बायोमेट्रिक होती है। जैसे राशन कार्ड बनते हैं हर घर से, उसके बाद फिंगरप्रिंट लगता है, फिंगरप्रिंट से ही आपका लॉगिन होगा और उसके ही बेसिस पे आपको राशन अलॉट की जाती है। तो उतने में हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, यहीं पे हमारा पोस्ट ऑफिस भी है, और हमारा अपना काम नहीं है लेकिन एक भाभी का काम है, उन्हें कहीं जल्दी जाना था तो उन्होंने हमें बोला कि तुम लोग उतने में मेरा काम कर दो ना प्लीज़। तो हम लोग जा रहे हैं उन भाभी का काम करने, ये होता है ना, क्या होता है, पोस्ट ऑफिस से जो RD होती है, आई थिंक ये RD है, ये तो जो पोस्ट ऑफिस की RD होती है वो उन भाभी ने हमें दी है भरने के लिए, तो हम अपने पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं ये। हाँ, तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो आगे जाके है, ये रेड छत वाला दिख रहा होगा, यहाँ जा रहे हैं अभी हम। तो अभी हम लोग पहुँच गए अपने पोस्ट ऑफिस के पास, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक महल था पहले, अभी भी है मतलब। तो ये आए हम अपने पोस्ट ऑफिस, आ जा, ठीक है जा, तू अंदर है ना। तो जिस जगह पे हम आ जाए हैं, इस जगह का नाम है देलट, और यही हमारी पंचायत है, और यही ये पहले एक रियासत होती थी। और यहाँ पे राजा का महल दिख रहा होगा पीछे, और काफ़ी पुराना महल है। तो ये दिख रहा होगा आपको कितना ही पुराना है, और इसके डिज़ाइन देख लो, बहुत पुरानी है ये जगह और बहुत पुराना महल है ये। यहाँ से इसका मेन गेट था जहाँ से अंदर को जाते हैं, और काफ़ी टाइम तक बंद ही रहता है, मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोग ऊपर जाते हैं। और अब इसकी जो मेंटेनेंस उतनी अच्छी भी नहीं है, देखो बाहर से गिरा हुआ है, और पर ये चीज़ काफ़ी पुरानी है, ये महल काफ़ी पुराना है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दलित रियासत का महल, जो पुराना है बहुत ज़्यादा, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, मैं सर्च करूँगी इसके बारे में फिर आपको बताती हूँ।
और जो दौलत रियासत थी एक सूर्यवंशी रियासत थी, इसीलिए इसके मेन गेट पे भी सूर्य की तरह डिजाइन दिखा होगा। ऊपर का छत इसमें मेंटेन किया है, छत इसमें थोड़ा द्वारा भी लगाया है, लेकिन बाकी चीजें इसमें वैसे की वैसी ही है जैसे उस समय होती थी। तो हिमाचल में ना पहले बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें होती थी, आई गेस 29 से 30 छोटी छोटी रियासतें थी या ठाकुराइयां थी। उसके बाद जो है ना उनमें से और उन्हीं में से एक हे दौलत रियासत भी थी जो कि ये दिख रही होगी आपको। तो जो ये दौलत रियासत थी इसकी स्थापना की थी पृथ्वी सिंह ने 11वीं शताब्दी में, और उसके बाद 1815 के बाद ये भी बुशहर रियासत का ही पार्ट बन गया था। और इस तरह से हमारे पीछे ये है हमारी हिस्ट्री, और सामने ही है ये है हमारी ग्राम पंचायत यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे हमारे यहाँ के जो देवता हैं उनका मंदिर, दौलत के देवता का मंदिर। और अब तो यहाँ पे मौसम भी खराब होने लग गया है और हमारा ना नंबर ही नहीं आ रहा है क्योंकि आज काफी रश है इस करके। और अब हम लोग ना गाड़ी में बैठने आ गया क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड सी भी हो रही है और पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, तो गाड़ी में ही रेस्ट करते हैं और मैं थोड़ा व्लॉग एडिट कर लूंगी। तो यहाँ पीछे वाली सीट पे प्रीति लेटी है, यहाँ पे आगे मैं हूँ। अब जब तक नंबर नहीं आता हम यहीं बैठे रहेंगे। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया है, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग सुबह 10:30 बजे के आए हैं और अभी दिन के 2 बजने वाले हैं, अब जाके हमारा नंबर आ रहा है। अब चले हम अपना फिंगरप्रिंट लगाने, बस हमें अंगूठे लगाने हैं। बायोमेट्रिक लॉगिन होता है ना, तो एक राशन कार्ड से कोई एक आदमी आता है, कोई भी परिवार का मेंबर जिसका आधार कार्ड अपडेट होगा, फिर वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, फिर जाके यहाँ पर राशन मिलता है। और अभी हम लोग भी अंदर ही जा रहे हैं, अब देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। ये लोग जा रहे हैं, ये एक गाड़ी पैक हो गई है, हमारे गांव जा रही है, सबकी राशन अब इसमें जाएगी। तो अभी हमने सामान राशन ले लिया है, ये सारे अपना ही सामान है और बाकी सामान अभी यहाँ पे लोग ले रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा डिपो है इसी के साथ यहाँ पे ITI भी है, और ये है इनका ITI वालों का, और आगे प्रीति चली गई है। अब बस हमें सामान लोड करने को रहता है, फिर हम फ्री है, फिर हम सीधा घर निकल जाएंगे। और ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, तो वापस हम अपने गांव पहुंच चुके हैं और ये पहुंचे हम पीपल के नीचे, वहां से आ रहे हैं मम्मी और पूनम सामान लेने। तो सामान उतार लेते हैं अब जो जो हम राशन लेके आए हैं। तो आज हमारे साथ कामेश भैया थे जिन्होंने गाड़ी चलाई, और बाकी गांव वालों का सामान भी आ गया है वहाँ पे बड़ी गाड़ी में जो सारे उतार रहे हैं। और हमने पर इसी में डिक्की में ले आए सामान 3 लोगों का, और बस अब आ रहे हैं। तो मम्मी अभी डालेंगे सामान मेरे पास, थोड़ा मम्मी ले आएंगे थोड़ा मैं, बस अब हमने डाल दिया। हाय विश्रुत, क्या कर रहे हो? गाँव की पिटाई नहीं करते, गाँव को प्यार करते हैं। गाँव को प्यार करते, नीचे खा नीचे आना। तो वहाँ भी होने वाला है सनसेट, थोड़े से बादल आए हैं और वहाँ पे हो रही है बर्फबारी। डिपो से आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, हेडेक सी हो रही थी। करो डेली। तो मम्मी लेके आ रही है दूध वापस, तो सुबह सुबह दूध लगाया है रोड के लिए जैसे गाड़ी जाती है बेचने के लिए, पर लेकिन क्या हुआ कि आज हमारे गांव वालों का दूध फेल हो गया है और दूध वापस। क्या हुआ मम्मी, दूध के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? फैट नहीं आया ज्यादा ना, तो शायद हमारे गांव के लोग दूध में गड़बड़ कर रहे हैं, पानी पूनी डालते होंगे जिस वजह से फैट कम आती है। तो जहाँ ये दूध जाता है तो एक प्राइवेट मिल्क प्लांट है, वहाँ दूध जाता है, वो वहाँ पे फैट वगैरह लगाते होंगे। तो सारे तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बीच में कुछ लोग होते ही हैं जो ऐसा करते होंगे, फिर उस वजह से सभी लोगों का दूध वापस आता है, क्योंकि यहाँ से जब दूध जाता है वो पूरा मिक्स होकर जाता है। वही आज उर्विश कितना क्यूटू उर्विश, इसने ये क्या पहना है? उर्विश ये क्या पहना है? ये बताओ पहले ये क्या है? हाँ ये भी आ गया। आहा इनको देखो, यहाँ पूरा दिन इन्होंने इतना शोर मचाया होता है, इतना तहलका मचाते हैं ये लोग। मधु बोलता है, मधु मधु नहीं बोलते, मासी बोलते हैं। ओए मधु नहीं बोलते, ये दोनों मेरा नाम निकालते यार, क्या बच्चे बनेंगे तुम। मधु नहीं बोलते, फिर क्या बोलते? हाँ जी मासी बोलते हैं, मासी बोलो, मासी। हाँ जी हाँ जी
तोड़ना। कान नहीं तोड़ना, डॉगी को दर्द होती है। आइए लगतीश को मत मारो भाई, हाँ प्यार करो इसको। ऐसे नहीं करते, भाव 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 भाव। अब क्या करेंगे मम्मी उस दूध का? पनीर निकालना। ठीक है, अब तो पनीर निकालेंगे। गाड़ी बंद कर दी है, मतलब ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये पिछले महीने में कम से कम 3-4 बार जो है ना गांव का दूध वापस आ गया। इसमें गांव का नाम भी खराब होता है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते होंगे। मतलब थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए पानी डाल देते होंगे। तो हमने जाना लवली दीदी के घर चलते हैं। तो अभी मैं लेके आई हूँ इन लोगों को थोड़ा घुमाने खेलने इनके साथ। विश्वत नहीं, पर ये इतने शरारती है ना ये बच्चे, क्या बताऊँ मैं। इनके पीछे ऐसे रहना पड़ता है एक आदमी को क्विक। तो यहाँ पे हम इनको खिला रहे बच्चों को, क्योंकि इनकी माता इनको देखती नहीं। और ये बहुत डेंजरस है तीनों के तीनों, ये बहुत शरारती है। तो अभी मैं लगी डिनर करने, आज है मिक्स दाल और चावल, यही है डिनर में। तो डिनर के बाद अभी हम लोग आ गए सोने, और विश्रुत भी आ गया, दीदी भी आ गए हैं। क्या बोल रहे हो? पता नहीं। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा एक मिनट मुझे बोलने दो, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। अन्यंग। विश्रुत आप क्या कर रहे हो? माइनो क्या होता है? कोरे नानी। ओ मत मारना बता, बोला तू। ये ना यार आजकल मेरे जितने भी मैंने पोस्टर लगाए इनको फाड़ता रहता है, और मेरे को गुस्सा आता है इन चीजों पे फिर, क्योंकि ये बहुत शरारती हो रहा है। और दीदी इसको कुछ भी नहीं बोलते, कल इसने लिवाए भी फाड़ा है, थोड़ा नाजू को भी फाड़ा है, मैंने डबल टेपिंग कर दी इसके ऊपर। गेम है। आ जाओ, तोरी सुनाऊंगी आपको। ओ ऐसा जी होता है इसको।